बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम वॉरेन कैप्सूल की डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। ये एक मैजिकल पैलेट्स है जिसको हम एक गोली बोलते हैं। पैलेट एक्सट्रीमली फास्ट एंड इफ़ेक्टिव है, जैसे कि हम इसको पेन में लेते हैं तो पेन आपके पास जल्दी से रिलीफ हो जाता है और काफ़ी अच्छा असर आता है इसका। वॉरेन कैप्सूल इसका ब्रांड नेम है और डिक्लोफेनिक सोडियम ये इसकी केमिकल फार्मूला है। स्ट्रेंथ इसकी 50 mg है। इसकी एक ब्यूटी ये है इस कैप्सूल की, बाकी भी बहुत सारे आपको पेन किलर टैबलेट्स भी मिलेंगे, कैप्सूल भी मिलेंगे, लेकिन इसकी एक ब्यूटी ये है ये एंटेरिक कोटेड है। ठीक है, एंटेरिक कोटेड का मतलब है कि ये स्टमक के अंदर नहीं अपना असर दिखाना शुरू कर देता, स्टमक की वॉल्स को कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अगर ऐसे पेशेंट हैं जिनको स्टमक की एसिडिटी रहती है या कोई स्टमक अल्सर है, उनके लिए ये बहुत अच्छा कहते पेन किलर है। चलिए हम इसकी डिटेल देखते हैं। कैप्सूल रेडिली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, जो उसके ऊपर कैप्सूल होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, अंदर से गोली रह जाती है पैलेट, ठीक है, और ये भी गोली जो है स्टमक से जल्दी से पास कर जाती है। स्टमक से पास करती हुई कहाँ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर ये जज्ब होती है, ठीक है, जिसकी वजह आपको पता, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर डायरेक्ट पाथवे है तो हमें रिजल्ट फौरन मिल जाता है। एनाल्जेसिक भी है, पेन को भी ख़त्म कर देता है, अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हुई भी हो उसको भी ख़त्म कर देती है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। अगर थोड़ी सी और हम इसकी डिटेल देखें, आपने देखा होगा कोई भी पेशेंट है वो पेन के साथ आया हॉस्पिटल में, फर्स्ट चॉइस जो होती है उसको पेन को ख़त्म करने के लिए ये डिक्लोफेनिक सोडियम ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे इंजेक्शन की फॉर्म में चाहे टैबलेट्स की फॉर्म में, क्योंकि रिलीफ चाहिए होता है तो हम इसको इंजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम किसी डिजीज़ में इसको यूज़ करते हैं, ये इसकी इंडिकेशन है, मस्कुलर स्केलेटन में, डेंटल पेन में, डिसमेनोरिया, पीरियड्स के पेन में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जोड़ों का पेन है, ठीक है, और इसके अंदर अपने ही बॉडी के ख़िलाफ़ ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो अपनी बॉडी को किल करना शुरू कर देती हैं। और कोई पोस्ट ट्रोमेटिक हो, कोई ट्रोमा हो, चोट लगी हो, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद भी पोस्ट आर्थराइटिस, ये भी जॉइंट्स की डिजीज़ है और एक्यूट गाउट, ठीक है, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, ये ओवरऑल करके लिखा हुआ है इसके पॉइंट्स बना के। अगर इसे हम इसके हम डोज की बात करें, प्रिस्क्रिप्शन डोज इसकी बीडी बनती है, एक सुबह एक शाम, ठीक है, मॉर्निंग स्टिफनेस और नॉक्टर्नल पेन आपको, ये नाइट का और ये मॉर्निंग का। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।